नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मैं महादेव पाठी आज आपको विश्व आयुर्वेदिक तेल के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो दवा है इसको जंगली लहसुन बोलते हैं। ये जंगली लहसुन आदिवासी इलाके के वैद्यराज उन्होंने ये बनाया है, और जो बहुत कम आदिवासी लोग है उनको अपने बुजुर्गों से जो दवाई मिली है, ये जो दवा है ये ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको इसका फायदा होना चाहिए। विश्व आयुर्वेदिक तेल के बारे में जानेंगे, इसके जो फायदे है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसे जंगली लहसुन भी बोलते हैं। तो पहले आपको ये दवा क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये आयुषी दवाई है, इसके बारे में आज हम पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके फायदे क्या है, इसका इस्तेमाल कैसा करना है, इसके बारे में हम आज पूरा जानेंगे। तो शुरू में हम इस दवा के बारे में जानकारी लेते हैं। ये दवा कहाँ मिलते है, किसने बनाया, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये जो जंगली लहसुन है ये आदिवासी इलाके में ज्यादा मिलता है। ऐसे ही आदिवासी इलाके के एक वैद्यराज ने ये दवाई बनाई है, और उनका मकसद है ये जो दवा है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए, कम पैसे में मिलना चाहिए, ये उनका मकसद है। जो बड़े बड़े बाबा है अमीर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कीमत से बेचते हैं, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों को पहुंचता है और गरीब लोग उसका फायदा ले नहीं सकता। ये जंगली लहसुन विश्व आयुर्वेदिक तेल के नाम से जाना जाता है। आदिवासी लोग रहते हैं उनसे ये बड़े बड़े बाबा लोग खरीदते हैं अग्नि मामूली दाम से, और अमीर लोगों को 25,000-50,000 लाख लाख रुपए किलो से बेचते हैं, और इतना फायदा कमाते हैं, और उनका संपत्ति कमाने का ये एक जरिया बन गया है, और उनका एक मकसद है गरीब लोगों को ये दवा पहुंचनी चाहिए, इसीलिए इस वैद्यराज ने ये दवाई बनाई है। पुराने जमाने के जो लोग रहते थे उनको सब ये मालूम था, जड़ी बूटी झाड़ पत्तियां सब मालूम था, किस दवाई किस बीमारी पर इस्तेमाल करना है ये सब मालूम था। लेकिन अभी ये हॉस्पिटल बने हैं, मेडिकल के दवाई आई है, जो कोई छोटी मोटी बीमारी रहेगा उसके लिए सीधा हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना इलाज करते हैं, बहुत ज्यादा दाम देते हैं, और ऐसी गोलियां खा के दवाई लेके अपने शरीर में बहुत ज्यादा केमिकल बढ़ जाता है। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, जो आयुर्वेदिक दवा है उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करोगे। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन, पीठ का दर्द रहेगा, गर्दन का दर्द रहेगा, घुटने का दर्द रहेगा, सिर का दर्द रहेगा, दांत का दर्द रहेगा, दाढ़ का दर्द रहेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। मलेरिया निमोनिया ऐसी जो बीमारियां रहती है इस दवाई बहुत बढ़िया काम करती है, वायरस मारने का भी काम यह अच्छी तरह से करता है, और ये दवाई कड़क है। बिच्छू काट दिया उस जगह पर ये दवाई लगा सकते हैं, बिच्छू 5 मिनट में कम, सिर का दर्द रहेगा माथे को लगा सकते हैं 5 मिनट में कम हो जाएगा, दांत और दाढ़ का दर्द रहेगा उसके लिए कपास लेके दवा में डुबा के अपने दाढ़ में रख सकते है, 5-10 मिनट में आप दाढ़ का दांत का दर्द भी कम हो जाएगा। हड्डी का दर्द रहेगा, हड्डी का कैल्शियम कम हो जाएगा, घुटने का दर्द रहेगा, घुटने का कैल्शियम कम हो जाएगा, घुटने की हड्डी घिस जाएगी, घुटने के जोड़ों में जो वंगन रहता है जो द्रव रहता है वो कम होने के बाद अपने घुटने में कट कट ऐसा आवाज आने लगती है, इन सब बीमारी के लिए बहुत अच्छा दवाई है। अपने शरीर में जो खून रहता है उसका बहाव अच्छी तरह से रहना चाहिए, अपने शरीर में अच्छी तरह से घूमना चाहिए, दवाई अच्छी काम करती है। शरीर की नाड़ी रहती है चौकअप रहेगा, बहुत दर्द होता है, हाथ पैर में गोले आएंगे, वात हो जाएगा, संधिवात हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम ये दवाई करता है। चौकअप निकलता है, खून का घूमना है रूटीन पर आ जाता है, शरीर का जो खून है उसका शुद्धिकरण भी करता है। तो ये जो दवा है इसका इस्तेमाल कैसा करना है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये अंदर एक ढक्कन रहता है, तो ये जो दवा है, सर दर्द रहेगा आपको तो ऐसा माथे पर लगाना चाहिए आपको, सीने पर लगा लीजिए, और इसको सूंघ लीजिए, थोड़ा दर्द होगा इसका फायदा भी होगा। इसकी जो क्रिया है अभी शुरू हो गई है, और अपने छाती में कप रहेगा तो उसके लिए छाती को लगाने का, सूंघने का, सूंघने के बाद आपका जो कप है बाहर निकलेगा और आपको आराम मिलेगा। जुकाम होगा, बुखार रहेगा तो उसको सूंघने का और ऐसा ही लगाने का,
घुटने का दर्द रहेगा उसको हल्के हाथ से ज्यादा लगने का जो कि उसमें अंदर जाना चाहिए और उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। रात को सोने से पहले ये जब दवा लगाएंगे आप तो आपको बिल्कुल आराम पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर का जो खून है उसका शुद्धिकरण करता है और अपना जो शरीर में जो पोषक द्रव्य रहता है अपने शरीर के अंगों को पहुंचने का काम ये दवाई करता है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग 100-150 साल जीते थे। ये जो दवाई है आपको जो मंगवाने को मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, विश्वसनीय पूर्व गारंटी भी है। ये कोर्स करना पड़ेगा, हड्डी का दर्द जो पुराना रहेगा उसके लिए आपको 6 बोतल का कोर्स रहता है, 2-2.5 महीने का कोर्स रहता है और 2-2.5 महीने के कोर्स करने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा पुराने बीमार रहेंगे 10-20 साल के उसके लिए 12 बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका रेट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुरियर से भारतीय पोस्ट सेवा से आपको मैं भेज दूंगा, पैसे भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्सल पहुंचने के बाद भी आप पैसा दे सकते हैं तो जो 6 बोतल का बॉक्स आता है वो 1,000 रूपए में आता है और 12 बोतल का बॉक्स जो आता है वो 1,800 रूपए में आता है। और जो पीठ का दर्द रहेगा, पीठ की जो हड्डियां रहती है उनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लोग 5-5, 6-6 लाख रूपए लेते हैं और गारंटी भी नहीं देते। अच्छी देखभाल पहले से ही किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो बताया मैंने आपको परमिशन मिला ही है और जो आपके सवाल रहेंगे उसके बारे में भी मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आपको तो ऑर्डर दे सकते हैं, कहीं भी आपको पहुंचा सकता हूँ। और अपने तबीयत का ख्याल रखिए, अपना शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। बाहर के देश में अभी हेल्थ के बारे में बहुत जागरूकता आई है, उनका जो गवर्नमेंट है लोगों के हेल्थ के लिए बहुत पैसा खर्चा कर रहे है, हमारे देश में इतना सारा होके भी हम नहीं कर रहे, इसके बारे में सोचो। इन सारी चीजों का फायदा लीजिए। 9370798416 इस नंबर पर आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। विश्वसनीय पूर्वक ये दवा मिल जाएगी, जो भी बीमारी रहेगी उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद, नमस्कार। पूर्ण वीडियो पाहण्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर पूर्ण वीडियो पाहू शकता।